तो आखिरकार जुड़ ही गया फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर का पवित्र रिश्ता। मिस दांडेकर से मिसेज अख्तर बन गई हैं शिबानी। 19 फरवरी के दिन फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथ फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जहां अपनी शादी के मौके पर फरहान अख्तर ने ऑल ब्लैक लुक चुना, ब्लैक सूट के साथ ब्लैक शर्ट और ब्लैक बो टाई पहनकर फरहान सहरा पहनकर तैयार हुए, तो वहीं उनकी दुल्हनिया शिबानी दांडेकर ने रेड एंड लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाला ऑफ शोल्डर गाउन पहना। इस ब्राइडल आउटफिट में शिबानी बेहद खूबसूरत दिखी। अपनी शादी को शिबानी और फरहान ने बेहद प्राइवेट रखा। इस शादी में चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए। भले ही फरहान और शिबानी ने अपनी वेडिंग को लाइमलाइट से दूर रखा हो, लेकिन इनकी शादी की तमाम तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों के सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस बधाई देने लगे। हालांकि कुछ यूजर्स ने फोटो देख शिबानी के प्रेग्नेंट होने के कयास भी लगाए। कुछ ने उनकी फोटो में बेबी बम्प का जिक्र किया। एक यूजर ने लिखा, समझ नहीं आ रहा, शादी के लिए बधाई देंगे प्रेगनेंसी के लिए। एक ने कहा, क्या वह प्रेग्नेंट है? एक ने लिखा, क्या वह एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। एक यूजर ने कमेंट किया, ये तो प्रेग्नेंट है। दरअसल सोशल मीडिया पर फरहान और शिबानी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वह दूर से ली गई हैं। ऐसे में ये लोगों को गलतफहमी हो गई कि उनका बेबी बम्प नजर आ रहा है। अगर आप उनकी यही तस्वीर दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। शिबानी सामने से लेगी इस तस्वीर में स्लिम ट्रिम दिख रही हैं। बता दें कि फरहान अख्तर की शादी में उनके करीबी ही पहुंचे। बॉलीवुड से जुड़े लोगों की बात करें तो ऋतिक रोशन अपने माता पिता राकेश रोशन और पिंकी रोशन के साथ पहुंचे। उनके अलावा आशुतोष गोवारिकर, संगीतकार एहसान नूरानी, रिया चक्रवर्ती, अनुषा दांडेकर वेडिंग वेन्यू पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर पिछले 4 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और लिव इन में रह रहे थे। अब जाकर फाइनली दोनों शादी के बंधन में बंध गए।